धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच में दिख सकते हैं रोहित और हार्दिक। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे सीरीज के पहले मैच में ओपनिंग जोड़ी के रूप में केएल राहुल व हिटमैन रोहित शर्मा दिख सकते हैं। साथ ही मध्यक्रम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के खेलने की भी उम्मीद है। सीरीज में भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों की वापसी के आसार है क्योंकि सभी चोटिल खिलाड़ी अब फिट हो गए हैं। इस मैच में पिछले कुछ समय से चोटिल चल रहे रोहित शर्मा की वापसी तय है। उनकी मांसपेशियों का दर्द ठीक हो चुका है। रोहित की अनुपस्थिति से टीम की ओपनिंग केएल राहुल पर ज्यादा निर्भर हो चुकी है। इसके अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या यूके यूनाइटेड किंगडम में सर्जरी के बाद अब ठीक है। हार्दिक की पीठ के निचले हिस्से में दर्द था। टीम के पास ऑलराउंडर के तौर पर कोई बड़ा बल्लेबाज व गेंदबाज भी नहीं है। वह देश के लिए अब तक 54 वनडे 40 टी20 व 11 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस सीरीज में रोहित शर्मा को कप्तानी देने पर भी विचार किया जा रहा है क्योंकि विराट कोहली लंबे समय से नियमित खेल रहे हैं और उन्हें आराम दिए जाने के बारे में टीम प्रबंधन सोच रही है। वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो टीम का मध्य क्रम कुछ कमजोर है। एवी डिविलियर्स और जेपी डुमिनी की टीम से जाने के बाद असर पड़ा है। मध्य क्रम का पूरा भार डेविड मिलर पर आ गया है। तब रोहित शर्मा के शतक पर भारी पड़े थे डुमिनी और डिविलियर्स के अर्धशतक। 2 अक्टूबर 2015 को इसी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक की बदौलत टीम ने 199 रन बनाए थे। एमएस धोनी की कप्तानी में रोहित शर्मा ने 106 रनों की शतकीय पारी खेली थी। इसके जवाब में जेपी डुमिनी की 68 और एवी डिविलियर्स की 51 रनों की अर्धशतकीय पारी ने रोहित की पारी पर पानी फेरा था। अब इन दोनों खिलाड़ियों का न होना मिलर पर बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा है। फ्रेंड्स, आपका रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहना है, अपना सुझाव कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।